ठीक है ना। अब हम लोग करते क्या है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। जैसे ये एक्सरसाइज 3.2। अच्छा अब तुम कर क्या सकते हो, तुम एक्सरसाइज 3.1, 3.2 ये कंप्लीट कर सकते हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब अगर तुम्हें 3.1 और 3.2 में डाउट है तो तुम्हें करना क्या है, बस मुझे पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर बस तुम्हें मैसेज कर देना है, ठीक है। मैं उसको या तो वॉइस मैसेज से क्लियर कर दूंगा, और अगर मुझे लगता है तो मैं उसको सॉल्व भी कर दूंगा। और मैं देख रहा हूँ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि जो डिस्कस करना चाहिए एनसीईआरटी का, वो मैं खुद ही डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.2 का पेज नंबर 80 है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड का सेकंड पार्ट बोल रहा है मल्टीप्लाई या कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, मतलब कि इसका हमें वैल्यू चाहिए 1, 2 एंड 3, एक ये हो गया और ये बोल रहा है 2, 3, 4, इसका हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए हमें ये देखना होगा ना कि भाई हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते या नहीं। तो कितने रो गए, 3/1 ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर क्या हमारे पास 1/3 ऑर्डर हो गया, ठीक है। अगर मान लो इसको हमने ए मैट्रिक्स बोला, इसको बी मैट्रिक्स बोला, तो ये ए बी लिखा हुआ है, तो इसका कॉलम 3/1, इसमें कॉलम 1, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो इसका ऑर्डर होगा, इस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो इस मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो 3/3 का होगा, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं, इसका मतलब क्या है, हमें ये 1, 2 एंड 3 इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो 2, 3, 4, तो हमें पता है पहले से कि ये जो मैट्रिक्स आने वाला है वो 3/3 ऑर्डर का आने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, पहला यहाँ होगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे ऐसे करके हमें ये 9 प्लेसेस को भरने हैं, 3/3 ऑर्डर का है। तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला कि पहले वाले मैट्रिक्स है ना, इसका पहला रो फिक्स करो। तो ये क्या है, R1, R2, R3, ये क्या है C1, C2, C3, तो इसका पहला रो फिक्स किया। अब इसके पहले कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो यहां क्या है कि इसका पहले वाले मैट्रिक्स का पहले फर्स्ट रो में भी 1 नंबर है और ये दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में भी 1 नंबर है, एक ही एलिमेंट है, तो 1 × 2, तो यहां 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका रो फिक्स किया, कॉलम वेरी कराएंगे तो 1 × 3, तो ये 3 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, इसका रो फिक्स किया, कॉलम वेरी कराएंगे तो 4, ठीक है ना। अब यहां सेकेंड रो में आ गए, क्यों आ गए, बिकॉज यहां भी सेकेंड रो में आ गए प्रोडक्ट मैट्रिक्स में, तो 2 × 2, 4, तो 4 लिख लिया, तो 2 × 3, 6 लिख लिया, ये क्या हो 2 × 4, 8 लिख लिया। फिर अब थर्ड रो में यहां है, तो यहां पे 3 × 2 = 6, अब यहां 3 × 3 = 9 एंड 3 × 4 = 12, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने एक मैट्रिक्स इसका थर्ड एग्जांपल ले लिया, बोला है कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 1 − 2, 2 एंड 3, और यहाँ क्या बोल रहा है ये 1, 2, 3, 2, 3, 1, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, तो क्या मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है, बिल्कुल है, बिकॉज इसका जो रो है वो है 2, और इसका जो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम वो है 2, और इस जो मैट्रिक्स है इसका जो रो है वो है 2, तो बिल्कुल डिफाइंड है। अब इसका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा ना वो 2/3 होगा, पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर होगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स वो 2/3 होगा, ये समझना है। तो देखो हम डायरेक्ट कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, खुद से 2/3 बन जाएगा, ऐसे प्लेस बना के लिखने की जरूरत नहीं है, खुद से 2/3 बन जाएगा। पहला रो फिक्स करो और पहला कॉलम फिक्स करो, सॉरी यहां से पहला रो, इसका पहला कॉलम फिक्स करो, तो इसके पहले रो में भी 2 एलिमेंट, इसके पहले कॉलम में भी 2 एलिमेंट, मल्टीप्लाई करके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1, तो चलो मैं ऐसे लिखता हूं 1 × 1, तो 2 + −2 × 2 क्या हो जाएगा −4, तो ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद अब पहले रो का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या करेंगे, इसका रो फिक्स ही रखा है, अब सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, तो 1 × 2 यहां लिखेंगे ना 1 × 2, फिर क्या हो जाएगा 2 × 3, तो −6, ऐसे हो जाएगा,
समझ रहे हो ना। फिर क्या हो जाएगा, अभी रो फिक्स रखेंगे, 1 × 3 3 एंड 2 × -1 -2। फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ सेकेंड रो में आ गए, ये एक जब पहले हमने फर्स्ट रो फिक्स किया ना तो तीनों कॉलम्स को यूज कर लिया, जब तीनों कॉलम्स C1 को यूज कर लिया, C2 को यूज कर लिया, C3 को यूज कर लिया, तब अब फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो पर आ गए, तो फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 2 × 1 2, और फिर क्या होगा, 2 × 1 2 3 × 2 6, ऐसे हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, 2 × 2 4, और क्या हो जाएगा, 3 × 3, ऐसे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 + 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 − 4 − 5, ये क्या हो जाएगा, 2 − 6 − 4 एंड 3 − 2 1, 6 + 2 8, 9 + 4 13 एंड 6 + 3 9, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये चाहो तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई ऐसा इसमें है नहीं प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और, फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन में ना ऐसे लिया हुआ, 2 1 3 2 −1 1, और ये क्या लिखा है, 1 0 1 −1 2 1 3 by 2, ये 2 by 3, ठीक है ना। अब अगर देखो डिफाइन करना है तो ये सब भी इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो यार कैसे हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने लिखा, पहला रो उठाया, अब तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 − 1 1 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। पहला रो पहला कॉलम, 2 × 2 1 × −1 −1, तो 2 − 1 1 लिख लिया। रो फिक्स क्या है, ये 2 को करेंगे 0, 1 × 2 तो 2, तो डायरेक्ट 2 लिख दिया। उसके बाद 2 × 1 2 1 × 1 1, तो 2 + 1 3 हो गया। अब सेकेंड रो में आ गए, ये पहला रो तीनों कॉलम एग्जॉस्ट हो गया, तो अब यहाँ से रो को चेंज कर दिया, तो यहाँ जब सेकेंड रो पर आएंगे तो यहाँ भी सेकेंड रो पर आ जाएंगे, तो क्या होगा, सेकेंड रो पहला कॉलम, तो 3 × 1 3 3 − 2 3 − 2 = 1, तो ये 1 हो गया। फिर पहला ही रो रखा, सेकेंड रो रखा, दूसरा कॉलम 3 × 0 0 2 × 2 4, तो 0 + 4 4 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, ऐसे तुम कर लोगे, 1 × −1 − 1 − 1 − 2, क्या हो जाएगा, 0 + 2 तो 2, और ये क्या हो जाएगा, −1 + 1 तो 0, तो आ गया। अब ये देखो 3 by 3 ऑर्डर आया ना, तो यहाँ से भी देख लो, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3, इसमें क्या नंबर ऑफ कॉलम, 3, तो 3 by 3 आ गया। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हमारी क्लास है कल, तो इस पे मैं और क्वेश्चन 3.1, और जो हमारा अब जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, मतलब जो मैं नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा तुम्हें, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा क्या कि मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एक पेज नंबर 82 में क्वेश्चन नंबर 18 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है, आई थिंक ये जो अभी जो हमारा बोर्ड हुआ है ना 2020 में, जो अभी बोर्ड हुआ है जनवरी फरवरी में, जब भी जो बोर्ड हुआ है अभी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया है 18 में, ये जो 18th क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 बार बार बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम रट जाना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 83 एक्सरसाइज 3.2, इसका ये दोनों मैं 21 एंड 22 डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। 18, 19 और 20 में से तुम मुझे कल बताना कौन सा मैं क्वेश्चन कर दूं, डिस्कस कर दूं, कोई भी एक डिस्कस कर दूंगा 19 और 20 में से। 16, 17 एक जैसे हैं, कोई एक डिस्कस कर दूंगा, चलो 16 कर दूंगा, एक 13 कर दूंगा, ठीक है। एंड 15 और 16 एक जैसे हैं, और चलो 11 और 12 एक जैसे हैं, तो 12th मैं कर दूंगा, इसमें 9th करा दिया है, क्वेश्चन नंबर मैं 8 भी कर दूंगा सॉल्व, ठीक है। और बाकी बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है, तो वो तुम खुद से करोगे सॉल्व, ठीक है ना, बिल्कुल एलिमेंट्री, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा, ये 3.2 की बात कर रहा हूँ, और ये एक्सरसाइज 3.3 पढ़ाते हैं, तो 3.3 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से बैठे बैठो करो। 3.1 बिल्कुल इजी है यार,
इसको कर लो, और 3.2 जो मैंने बोला मैंने टिक कर लिया है, मैं इसे डिस्कस कर दूंगा, क्लियर है ना। तो ये दो मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन मैं इसका वीडियो बना के भेज दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ओके।